हेलो फ्रेंड्स, भावना किचन एंड आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल के आटे का पूरी। तो चलिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितना अच्छा बनता है, एकदम क्रिस्पी और क्रंची। और इसके अंदर जो मैं चने का दाल भरी हूँ, देखिए कितना अच्छा, पूरा एकदम कोने कोने तक स्टफिंग गया है। तो मैं जितना पानी ली हूँ उतना चावल का आटा, पानी जब खौल जाए पूरा बबल्स आना शुरू हो जाए तब उसमें आप आटा डाल के उसको अच्छी तरह से चलाते हुए मिला ले कि कहीं सूखा ना रह जाए और कहीं गीला। इसलिए हम इसको धीरे धीरे से, जब आटा डाले पानी में तो गैस को बंद कर दें। तो देखिए इधर मैं चना का दाल को भी उबाल के रख ली हूँ, दो सीटी लगा के और निकाल लिए हैं। और तब इधर मेरा आटा मैं गूंथ लेती हूँ। तो इसको हल्का हल्का हाथ से दबाते हुए, थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए आटा का डो तैयार करना है। एक बार ही ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो ये गीला हो जाएगा और फटने लगेगा। तो इधर चना का दाल पूरा सूख चुका है, अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे एकदम पूरा बारीक। तो देखिए इसी तरीके से मिलाते हुए आप आटा गूंथ ले। देखिए आटा जब तक आप लोई बनाएं और ये फटना बंद ना हो तब तक इसको गूंथ ले। और इधर मैं चना का दाल पीस ली, इसमें डाल दी एक चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा और इसमें अब जाएगा एक चम्मच कसूरी मेथी। और इसके बाद ये एवरेस्ट का गरम मसाला मैं डाल रही हूँ, आपको जो अच्छा लगता है वो डालें। अब इसके बाद गया टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट और इसके बाद ये अदरक का पाउडर बना के रख लिए। आजकल अदरक ख़राब हो जाता है तो इसीलिए इसको सुखा के और इसका पाउडर बना के हम रख लिए हैं। तो अब इसको सभी को हम मिला के तैयार कर लिए हैं। देखिए कितना अच्छा सूखा सूखा सा बना है और कितना बारीक है। तो इसी तरीके से आप आटे का लोई बना के और इसमें जो स्टफिंग बना के तैयार किए हैं उसको डाल लें। इसका ज़्यादा पतला ना बनाएं, लोई बनाएं तो ज़्यादा पतला ना करें, नहीं तो दाल साइड साइड से निकल जाएगा और पूरी फट भी सकती है। नॉर्मल पूरी जैसे आप आटा का पूरी बनाते हैं उससे मोटा थोड़ा इसको रखें। तो देखिए दूसरा भी लोई लिए, इस पे तेल लगा के थोड़ा सा और ऐसे राउंड राउंड घुमाते रहेंगे तो ये अपने आप इसका लोई बन जाता है। अब हम इसमें जितना कि ये बन सके उतना दाल आप डालें इसमें, ज़्यादा दाल डालेंगे तो ये फट के निकल भी सकता है। तो देखिए आप भी इसी तरीके से बना ले लोएं दाल पूरी। तो चलिए अब हम आपको पूरी को कैसे बेलना है या हाथ के मदद से हमें फैलाना है हम दिखा रहे हैं आपको। एकदम हल्के हाथों से आप इसको फैला लें, ज़्यादा दबाएं नहीं तो ये फट सकता है। गेहूं के आटा से मोटा ही रखें इस पूरी को, गेहूं के आटा का जैसा बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कितना मोटा है, पलट के दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आप सभी पूरी को बना लें। अगर आप बेलन के मदद से बना पा रहे हैं तो उससे भी बना सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से कर लें। और इस पूरी की मोटाई मैं दिखा दी, ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो मैं कढ़ाई में तेल ले ली और ये तेल गर्म हो चुका है, पूरा गर्म होने दे तब इसमें डालें। अगर तेल गर्म नहीं रहेगा तो ये पूरी करा करा बनेगा और तेल गर्म रहेगा तो ये सॉफ्ट बनेगा पूरी। तो इसी तरीके से मैं एक एक करके सभी पूरी को
छान लूँगी। तो देखिए एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनता है। भले मेहनत थोड़ा सा लगे लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। तो ये पूरी मेरा बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकाल लिए। इसी तरीके से आप ही बनाएं, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर बताएं कि कैसा लगा और अगला रेसिपी मैं क्या बनाऊं। और मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए अब मैं आपको फोर्क के मदद से दिखा रही हूँ कि कितना एकदम क्रिस्पी बना है और खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। तो जितना पूरी मैं बनाई थी सभी को बारी बारी से इसी तरीके से उलटते पलटते हुए छान लूँगी। तो देखिए मेरा पूरी बनके तैयार हो चुका है। अब मैं थाली लगा रही हूँ। खाने में बनाई हूँ चावल का खीर और पूरी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, देख सकते हैं पूरी कितना अच्छा बना है। तो मेरे वीडियो में धन्यवाद।